और इमरान खान जुल्फिकार अली भुट्टो से बड़े आदमी नहीं, अवाम के इज़्तिराब को दूर करने के लिए फौरन इस्तीफा दें और इलेक्शन का ऐलान करें। अब हालात बदल चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान की परवेज़ इलाही के हमरा मीडिया से गुफ्तगू, कहा चौधरी बरादरान के सामने अपना मौकफ रख दिया है, ये मंझे हुए सियासतदान हैं, इनसे रहनुमाई की दरख्वास्त है। परवेज़ इलाही भी मसाइल के जल्द हल के लिए पुरअज़्म है। मुज़ाकरात से इनकार नहीं करते, मुज़ाकरात बामानी होने चाहिए और हमारे जो मुतालबात हैं उसके लिए भी मैंने यही अर्ज़ किया है चौधरी साहिबान से भी कि हमारे इन मुतालबात को संजीदगी से लिया जाए। और इमरान खान जो है वो कोई भुट्टो साहब से बड़ा आदमी नहीं है। अगर भुट्टो साहब इस बात पर आमादा हुए कि उन्होंने हिज़्ब इख़्तिलाफ़ की मुतालबे को तस्लीम किया और दोबारा इलेक्शन के लिए वो आमादा हुए और मुज़ाकरात हुए, इतना बड़ा आदमी नहीं है कि वो हम पर मुसल्लत रहे और अपोजिशन के मुतालबात को अहमियत न दे सकें। हमारी जंग जो है और हमारा मुतालबा इसकी जो सिमत है वो हकूमत की जानिब है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसमें हम उसको घसीटें या वो उसमें मुदाखलत करें या वो उसमें जानबदार रहे। कल मुकम्मल गैर जानबदारी के साथ हम हकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो आवाम के इज़्तिराब को दूर करने के लिए फौरन इस्तीफ़ा दे दें। डेढ़ लाख के बावजूद जो राबर कमेटी और जो हुकूमत की कमेटी थी मुज़ाकरात की, उसमें उन्होंने ये तय किया कि हम बड़े आसान तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे और अपनी अपनी लीडरशिप से बात करेंगे और कोई रास्ता निकालेंगे।